मित्रों, अगस्त कैसा रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए, आइए बताते हैं। तो ये दो पक्ष हैं, एक 2 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का है जो श्रवण नक्षत्र का है, और दूसरा 17 से लेकर 31 तारीख तक का है जो मघा नक्षत्र में होगा। पहला एक दिन जो बचा हुआ है वो पीछे का जो बचा हुआ है वो पिछले पक्ष में चला गया है, कोई खास नहीं है। लेकिन श्रवण जो नक्षत्र है ये आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है, मैंने पहले ही बताया था, जो अच्छा नहीं है। मघा जो उसके आगे का 17 के बाद में वो बहुत अच्छा है। तो इसका इंडिकेशन ये मिल रहा है कि जो पिछले महीने आपने जो एसेट्स खरीदा था वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो आपने छोड़ दी, कोई पैसे का लेन देन पीछे छोड़ दिया या कोई और चीज़ें कहीं छोड़ दी, तो उसमें कहीं कुछ घालमेल ना हो, उसमें कोई परेशानी ना हो, ये परेशानी उत्पन्न करने के लिए आए हैं। आपने अगर उनको व्यवस्थित तौर पे किया होगा पिछले ही महीने तो वे नहीं आएंगे, फिर ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया है तो ये समस्याएं थोड़ी सी आएंगी, जिनको आपको कोर्ट कचहरी का हो सकता है, कोर्ट कचहरी के लिए ही बता रहा है खास तौर पर ये, कि ये जो आपने एसेट्स खरीदे हैं उसको लेन देन करने के लिए कोर्ट कचहरी में जो आपका स्थानांतरण होता है एक दूसरे के प्रति, जो वो हो सकता है उसके लिए आपको जाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े। आपको मालूम है कि जब कोर्ट में जाएंगे तो खड़ा रहना, ये करना, वो सब उस तरह का होता है। फिर भी देखिए कि जो सूर्य है वो अश्लेषा में, क्योंकि इसमें आए हैं, अश्लेषा वही परेशानी का सा सबब बता रहा है, और क्योंकि मंगल पूर्वा फाल्गुनी में आ गए हैं तो वो भी प्रतरी में आ गए हैं जो आपको थोड़ा सा कष्टकारक बता रहे हैं। बुध भी पूर्वा फाल्गुनी में आ गए हैं जो कह रहे हैं कि शारीरिक कष्ट होने वाला है। क्या तो ये जो पिछले महीने आपने कार्यक्रम किया था उसमें बहुत ज़्यादा जान लगा दी थी आपने, उसकी वजह से हो रहा है, या और भी कुछ हो सकता है कि आपने शारीरिक कष्ट के साथ में मानसिक कष्ट आपने ले लिया हो। तो गुरु भरणी में है, कष्टकारक में वापस आए हुए हैं ये, तो ये भी ये इसका मतलब थोड़ा सा शारीरिक कष्ट जो है वो इस महीने आपको ज़्यादा बता रहे हैं, शुरुआत में पूर्वार्ध में बता रहे हैं, मतलब 15 दिन जो है पहले 15 दिन में, बाद के 15 दिन में ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। जैसे सूर्य भी आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हारा मंगल भी उत्तरा फाल्गुनी में आ जाएंगे तो वो आपके लिए साधक हो जाएंगे, और बुध तो 2-3 बदल जाएंगे तो वो भी ठीक है। तो बाकी और भी सब ठीक चल रहे हैं, क्योंकि वरुण अरुण और शनि ये आपके लिए मजबूती के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं कि हम हैं, कुछ भी करो तो, लेकिन धर्म को साधते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, उसका अनुष्ठान करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए अगर कोई चीज़ करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसा गुरुजी महाराज का मानना है। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि अगस्त की तारीखें कौन कौन सी आपकी शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं। स्वाभाविक बात है कि 15 अगस्त की तारीख आपके लिए निश्चित शुभ होने वाली, क्योंकि इस दिन हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस है, जिसको आप इन्वॉल्व हुईगा उसमें उत्साह का सृजन होगा आपका और कल्याण निश्चित होगा। बाकी जो तारीखें हैं वो हैं 11, 12, 13, 14, 15, ये तारीख आपके लिए शुभ हैं। जो मैंने बताया कि इसमें हो सकता है कि आप प्रोग्राम की तैयारी कर सकते हैं। अति शुभ में 15, 17, 18, 21, 22 और 23, ये तारीख अति शुभ है, यानी कि अगर आप राजनीतिक उससे जुड़े हुए हैं तो 15 तारीख तो स्वाभाविक बात है कि आपके लिए बहुत शुभ होने वाली है, और है भी शुभ। वो अशुभ में है 4 और 16 तारीख, और अशुभ अति अशुभ में है 3, 2 और 6 तारीख। ये क्योंकि वो श्रवण नक्षत्र शुरू में है इसलिए शुरुआती जो है थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है शुरू शुरू के अंदर, जो बाद में पूर्वाध के बाद ठीक हो जाएगा ये निश्चित जान लीजिए। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद बना हुआ है आपके पास ऊपर, बोले भगवान परशुराम जी की जय।